चलिए हम फिर से देख लेते हैं। तो शॉर्टकट से आपको ओपन करना आ गया कमांड के माध्यम से। टाइप करेंगे हम cmd, एंटर करेंगे और स्क्रीन को फुल करने के लिए हम कमांड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मोर 150 के लगभग हम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेट टाइम का आप ज़रूरी नहीं है, डेट टाइम जो देखना चाहें आप तब तो आप उस कमांड का यूज़ करें, अदरवाइज नहीं करें, है ना। और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि आप सेल वाइज जाएंगे डेट टाइम का भी कौन दिया यार, ऐसा नहीं है। सब अपने आप में कमांड है, कार्य के अनुसार आप उन कमांड का यूज़ करें। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए जो गलती की आपने, सबसे पहले ये कि आपको कॉपी कौन टाइप करना है और फाइल का नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, जो आप कुछ मिस्टेक कर रहे थे तो नाम देकर के एंटर करेंगे। इसके बाद जो भी डेटा हमें टाइप करना है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल जेड से हम सेव कर देंगे। देखने के लिए क्या चला सकते हैं, DIR का प्रयोग करेंगे तो आपको वो फाइल यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देगी। इसके बाद हमने देखा था डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी बनाना, तो डायरेक्टरी बना लेते हैं हम। एक शुभम नाम की यहाँ पर ऑलरेडी है तो हम यहाँ भी बना लेते हैं शुभम वन। ठीक है, क्या देंगे, MD शुभम वन। अब शुभम और वन में आपको स्पेस नहीं देना है, नहीं तो एक वन नाम की डायरेक्टरी अलग बनेगा और शुभम नाम की डायरेक्टरी अलग बनेगा। तो हमने शुभम वन दिया, एंटर किया। देखने के लिए क्या चला सकते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर शुभम वन नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी के अंतर्गत प्रवेश करना है तो क्या कमांड देंगे, cd शुभम वन, एंटर करेंगे। कहाँ पहुँच चुके हैं, शुभम वन के अंतर्गत। अब यहाँ पर दो डायरेक्टरी बनाना है, एक बना लेते हैं MDDCA और PGDCA, एक साथ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या कमांड देंगे, MD के साथ में उस डायरेक्टरी का नाम। ठीक है ना, तो हमने दो डायरेक्टरी यहाँ पर दे दिया, एंटर करेंगे। देखने के लिए क्या चला सकते हैं, DIR ये आ चुकी है। दो डायरेक्टरी आ गई हमारी, कौन कौन सी, एक तो DCA और PGDCA। ठीक, शुभम बात समझ में आ रही है। अब हमें किसके अंदर प्रवेश करना है, CD DCA, एंटर करेंगे। पहुंच गए क्या DCA के अंतर्गत। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक फाइल बनाना है। फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड देंगे बताएं, कौन सा कमांड है फाइल बनाने के लिए, कॉपी कौन कमांड है ना, तो बोलिए। यहाँ पे हम कमांड देंगे कॉपी कौन फाइल का नाम, हम बना लेते हैं सेम फर्स्ट। ठीक है, जो भी हमें स्टूडेंट के नाम लिखना है वो प्रॉपर टाइप करेंगे, है ना। अभी हमने यहाँ पर ऐसे ही टाइप कर दिया है, कंट्रोल जेड से सेव करेंगे। देखने के लिए क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, DIR। ठीक है, सेम फर्स्ट नाम की फाइल बन चुकी है। यदि हमें सेम सेकंड नाम की बनाना है तो फिर कमांड चला सकते हैं कॉपी कौन सेम सेकंड, एंटर करेंगे, डेटा टाइप करेंगे, कंट्रोल जेड से सेव कर देंगे। ठीक है, देखने के लिए क्या चला सकते हैं, DIR। आगे बात समझ में इतनी, चलिए इससे बाहर निकलना है DCA तो क्या करेंगे, CD डॉट डॉट। कहाँ पहुँच गए, शुभम फर्स्ट के अंदर पहुँच गए। चलिए अब यहाँ पर कहाँ पहुँचना है, CD PDCA के अंतर्गत, एंटर करेंगे। PDCA के अंदर पहुँच गए क्या, पहुँच गए। अब यहाँ पर क्या चला सकते हैं हम, DIR देखने के लिए। और यदि यहाँ पर फाइल बनाना है तो कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, कॉपी कौन सेम फर्स्ट नाम की फाइल बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो बनाई थी वो एक अन्य डायरेक्टरी के अंदर बनाई था, है ना। तो दूसरी डायरेक्टरी में हम सेम सेकंड फर्स्ट नाम की फाइल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि उसी डायरेक्टरी में हम सेम नेम की फाइल बनाएंगे तो फिर वो क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, एंटर करेंगे, डेटा टाइप करेंगे, कंट्रोल जेड से सेव करेंगे। देखने के लिए DIR। अब हम सेम नेम की बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने दिया कॉपी कौन सेम फर्स्ट ही दे देते हैं, एक बार वो देख रहे हैं उसको कि क्या आएगा। जैसे आप एंटर करेंगे तो कोई एरर मैसेज यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, एरर मैसेज कब आएगा, जैसे आप अगली लाइन पे जाएंगे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको मैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड मैसेज होता है और हमारी समस्याएं क्रिएट होती है कि सर ये तो कमांड चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या बताना।
बता कुछ नहीं रहा है, आप यदि थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहना चाह रहा है समझ में आ जाएगा। बोल रहा है अवर राइट सेम फर्स्ट, अवर राइट क्यों बोल रहा है, क्योंकि पहले से सेम फर्स्ट में डेटा था, अब आप उसमें नया जोड़ रहे हैं, तो उस डेटा को हटा देगा और नया डेटा को एड कर देगा, ओवर राइट करेगा उस फाइल को, यानी मना नहीं कर रहा बनाने के लिए, क्योंकि फाइल पहले से है, उसमें नया डेटा कंटेंट जोड़ देगा, लेकिन अगली लाइन में नहीं जोड़ता है। एमएस वर्ड की जो कमांड है, उस पुराने डेटा में नया डेटा कंटेंट ले रहा कि नहीं जोड़ता, उसके ऊपर ओवर राइट करता है, यानी वो डेटा चला जाएगा और नया डेटा एड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर यदि ओवर राइट करना चाहते हैं कि हाँ उस फाइल को मिटा दे और नया डेटा हम जो जोड़ रहे हैं वो सही है वो ऐड कर दे, तो फिर आप इसे यस करें। यस के लिए है वाई प्रेस करना होगा, नो के लिए एन प्रेस करना होगा और आल के लिए ए प्रेस करना होगा। ठीक, यस करेंगे डेटा आप टाइप आप कर सकते हैं, लेकिन अब पुराना डेटा चला जाएगा नया डेटा ऐड हो जाएगा। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आरडी कमांड की बात करें तो आरडी कमांड का मीन होता है रिमूव डायरेक्टरी। यदि हम अपनी जो बनाई हुई डायरेक्टरी है उसे रिमूव करना चाहते हैं तो पहले तो हम उस डायरेक्टरी को देख लेते हैं डीआईआर कमांड से। उदाहरण के तौर पर हमें शुभम फर्स्ट नाम की डायरेक्टरी जो बनाई है उसको रिमूव करना है, तो हम पहले इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के लिए कमांड क्या यूज़ करेंगे, सीडी डॉट डॉट एंटर करेंगे। इससे भी बाहर आना है तो सीडी डॉट डॉट और एंटर करेंगे। कहाँ आ गए हम, मेन डायरेक्टरी हमारी सी यूज़र श्री के अंदर जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो शुभम फर्स्ट नाम की डायरेक्टरी है इसको हम डिलीट कर दें, तो इसके लिए हम कमांड यूज़ कर सकते हैं आरडी। ठीक है, इसके पहले हम समझ लेते हैं फाइल को डिलीट करना, शायद वो कमांड छूट गया था। तो कोई भी फाइल यदि है, मैंने नहीं समझाया था, आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, हम एक बार उस पर देख लेते हैं उसको। कोई फाइल है और उसको डिलीट करना है तो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं डेल और उसके साथ में फाइल का नाम, जो भी फाइल है डेल करके फाइल का नाम देकर के एंटर करेंगे। देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप DIR। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया, डेल। अब हमें डिलीट करना है, फाइल को तो डिलीट कर दिया हमने डेल से, डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करें, तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कमांड होता है RD, बनाने के लिए कमांड होता है MD और डिलीट करने के लिए कमांड होता है RD। MD मीन होता है मेक डायरेक्टरी और RD यानी होता है रिमूव डायरेक्टरी, हमें इस डायरेक्टरी को रिमूव करना है। लेकिन RD कमांड चलाने के पहले हमें दो नियम उसके पढ़ने होंगे। पहला नियम तो ये कि वो डायरेक्टरी पूर्णतः खाली हो, यानी उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी या फाइल नहीं हो, ये नियम कहता है DAS के लिए। दूसरा, हम जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाह रहे हैं उसके अंतर्गत ना हो, ये दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, एक तो वो पूर्णतः खाली हो, दूसरा हम उसके अंतर्गत न हो। अंतर्गत ना हो का मीन क्या, यदि हम CD से शुभम के अंतर्गत हैं, यहाँ पर है शुभम फर्स्ट इसके अंतर्गत हैं और यहाँ पर कमांड चलाते हैं RD रिमूव करे, किसे करे, तो हमने नाम दिया अपनी डायरेक्टरी का शुभम फर्स्ट को, तो क्या यहाँ पर वो फाइल मिलेगी, वो सॉरी डायरेक्टरी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके अंतर्गत हम, यानी जिस डायरेक्टरी के अंतर्गत हम रहेंगे तो रिमूव डायरेक्टरी जो कमांड है RD कमांड है वो उसके अंतर्गत उपस्थित डायरेक्टरी को सर्च करेगा और उसे डिलीट करेगा। तो फर्स्ट उसको सर्च करने में क्या वो डायरेक्टरी मिली, उसको नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर शुभम फर्स्ट नाम की वो डायरेक्टरी है ही नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना कि हम उसके अंतर्गत नहीं हो, हम उससे बाहर हो, यानी बाहर रह करके हम यहाँ पर कमांड चला सकते हैं RD शुभम फर्स्ट, ठीक, एंटर करेंगे। लेकिन अब भी एक एरर आ रहा है, अब दोनों एरर को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, यानी जो पाथ आपने दिया है वो फाइंड करने में सक्षम नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैसेज चेंज हो गया, बोल रहा है द डायरेक्टरी इज नॉट इम्पिटिव, यानी उसने फाइंड तो कर लिया, दो प्रोसेस वो जनरेट कर रहा है, फर्स्ट में फाइंड करेगा फिर डिलीट करेगा। तो यहाँ पर अब फाइंड कर लिया, यानी शुभम फर्स्ट नाम की डायरेक्टरी है लेकिन वो डायरेक्टरी खाली नहीं है, तो हमें ये दो नियम ध्यान रखने होंगे। अब सेकंड में बोल रहा है द डायरेक्टरी इज नॉट इम्पिटिव, ठीक है, तो हम इसको इम्पिटिव करने के लिए क्या करें, तो इसके लिए हम प्रवेश करेंगे CD कमांड से। CD शुभम फर्स्ट पहुँच गए शुभम के अंतर्गत, अब यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे देखने के लिए DIR।
तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दो डायरेक्ट्री हैं, ठीक है, तो डीसी और पीजीडीसी है। तो पहले हम आरडी से डीसी को डिलीट कर दें, डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कमांड वही है रिमूव डायरेक्टरी, एंटर करेंगे तो क्या बोल रहा है, द डायरेक्टरी इज आ रहा है ना पढ़ने में, द शब्द इसमें सॉरी आ नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, क्या बोल रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो ये भी खाली नहीं, तो क्या करेंगे, पहले इसके अंदर प्रवेश करते हैं सी डी डी सी ए, पहुंच गया क्या डी सी ए के अंतर्गत, यहाँ पर क्या चलाएंगे, अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टरी फाइल है, हाँ क्या क्या है, यहाँ पर दो फाइलें हैं सेम फर्स्ट और सेम सेकेंड, तो फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड है बताएं, कौन सा कमांड है, डेल, अभी जो यूज किया था हमने डेल फाइल का नाम सेम फर्स्ट, सेम फर्स्ट तो गई लेकिन सेम सेकेंड है, तो क्या करेंगे सेम डेल सेम सेकेंड। लेकिन अब यहाँ पर यदि अभी तो फिलहाल चलो ठीक है दो फाइलें हैं, लेकिन यहाँ पे माना कि 10 या 100 या 1000 फाइलें हों तो फिर क्या, तो क्या बार बार उनके नाम देंगे, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डेल स्टार डॉट स्टार। अब यहाँ पर स्टार डॉट स्टार का क्या मीन वो हम समझते हैं, तो हमने पढ़े थे फाइल के नाम, फाइल के दो नाम होते हैं कौन कौन से, प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन। जब यूजर द्वारा कोई फाइल बनाई जाती है तो अपने पहचान के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम वो देता है, ठीक है, और सिस्टम अपनी तरफ से उस एप्लीकेशन की पहचान के लिए अपनी तरफ से एक नाम देता है। तो ये पहला नाम प्राइमरी नेम कहलाएगा और दूसरा नाम सेकेंडरी या एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। अब जब हम यहाँ पर स्टार और स्टार का मीन कमांड का यूज़ करते हैं, तो पहला स्टार का कहना है कि उन सभी फाइलों को डिलीट करें जिनके प्राइमरी नेम कुछ भी हो, ऑल प्राइमरी नेम फाइल, यानी ऐसी सभी फाइलें जिनके प्राइमरी नेम कुछ भी हो, हमें फाइल का नाम नहीं देखना प्राइमरी। अब यदि यहाँ पर अलग अलग फाइल है, कुछ फाइल है टेक्स्ट, कुछ फाइल है डी ओ सी, कुछ फाइल हैं जे पी जी, ठीक है, अब हमें उसमें डी ओ सी को डिलीट करना है या टी एक्स टी को डिलीट करना है, तो हम चला सकते हैं स्टार डॉट टी एक्स टी, प्राइमरी नेम कुछ भी होगा एक्सटेंशन को देखेगा और सभी फाइलों को डिलीट कर देगा, उसमें डी ओ सी को छोड़ देगा। लेकिन हमारा कहना कि ये यानी एक्सटेंशन कुछ भी हो उन सभी को डिलीट करे, तो हम चला सकते हैं स्टार डॉट स्टार, तो पहला स्टार ऑल प्राइमरी नेम और सेकेंड स्टार ऑल एक्सटेंशन नेम, ठीक है, तो जितनी भी फाइल होगी उनको सबको एक साथ डिलीट कर देगा। एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछेगा आदेश, हम करेंगे वाई प्रेस, एंटर करेंगे, देखने के लिए यूज कर सकते हैं डी आई बार, हालांकि यहाँ पे दोनों ही फाइलों को हम पहले ही डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी अब खाली हो गई क्या, ये डायरेक्टरी खाली हो चुकी है डी सी ए, है ना, बाहर निकलने के लिए क्या कमांड यूज करेंगे, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या चला सकते हैं, आर डी डी सी चला दें क्या, कोई इतराज तो नहीं, इसको बुरा भला लगेगा क्या, नहीं लगेगा, चलिए तो हम देख लेते हैं डी आई आर से है क्या डी सी ए, आप पी जी डी सी को डिलीट करके देख लें, आर डी पी जी डी सी ए क्या बोल रहा है, ये भी खाली नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्टरी के अंतर्गत पहुंचना पड़ेगा पहले, फिर हमें उसके अंतर्गत क्या कमांड चलाना पड़ेगा डेल, यानी फर्स्ट में पहले हमें सी डी कमांड से पी जी डी सी नाम की डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करना है, फिर हमें क्या चलाना है वहाँ पर डेल स्टार और स्टार या डेल फाइल का नाम। यदि आप इसे एक ही स्टेप में ख़त्म करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हैं डेल पी जी डी सी है, ठीक, लेकिन डेल कमांड जो है वो पर्टिकुलरली फाइल के लिए है, फाइल को डिलीट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं डेल, और डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो क्या यूज़ करेंगे आर डी। तो पी जी डी सी डायरेक्टरी है या फाइल, डायरेक्टरी मतलब डिलीट नहीं करेगा, लेकिन डेल अपना काम करेगा, डेल अपना काम ये करेगा कि उस पी जी डी सी नाम के डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइलें हैं उनको डिलीट कर देगा,
अब हमें ये कंफर्म है कि हमें पीडीसी को डिलीट करना ही है, तो बात खत्म हो गई इसको देखने की। या आप एक बार कंफर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आपको प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, आप चला सकते हैं DIR PGDCA। अभी ओनली DIR चलाते थे, अब DIR कमांड के साथ में जब हम पर्टिकुलरली किसी डायरेक्टरी का नाम दे देते हैं तो इस डायरेक्टरी के अंतर्गत उपस्थित डेटा को दिखा देगा। अब प्रवेश किया क्या हमने सीडी कमांड से? नहीं, हमने क्या दिया? DIR उस डायरेक्टरी का नाम, तो उस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइलें हैं उनकी लिस्ट आ रही है। अब यदि डिलीट करना है तो बिना प्रवेश किए ही क्या चला सकते हैं? डेल PGDCA। यस करेंगे, एंटर करेंगे, कंफर्म के लिए आप चला सकते हैं DIR PGDCA। कोई फाइल है क्या? जबकि डायरेक्टरी अभी है, डायरेक्टरी PGDCA है, डायरेक्टरी डिलीट नहीं करेगा, क्या करेगा? उस डायरेक्टरी के अंतर्गत उपस्थित फाइलों को डिलीट कर देगा डेल कमांड। बात समझ में तो नहीं आई? आ गई। चल अब हम यहाँ पे क्या चला सकते हैं? RDPGDCA, तो ये चला जाएगा देखने के लिए। DIR PGDCA नहीं है, बाहर निकलने के लिए सीडी डॉट डॉट यूज करेंगे। RD कमांड से शुभम फर्स्ट को डिलीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखने के लिए DIR शुभम वन जा चुका है। किसी को कोई डाउट? एक बार शुभम को भी डिलीट कर दे क्या? बुराई नहीं है डिलीट करने में, समझने में। हम चला सकते हैं यहाँ पर, अब RD चला सकते हैं शुभम फर्स्ट, ये खाली नहीं है, तो इसके अंतर्गत फाइलों को डिलीट करने के लिए क्या चला सकते हैं? डेल शुभम। ठीक है, क्या करेंगे? यस, अब DIR से देखते हैं। DIR शुभम, तो शुभम के अंदर फाइल तो नहीं है लेकिन डायरेक्टरी है, तो हम चाहते हैं कि DCA के अंतर्गत फाइलिंग होगी, तो फाइल को पहले डिलीट करें या फिर हम DCA नाम की डायरेक्टरी को डिलीट कर दें डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टरी यदि खाली नहीं होगी, उसके अंदर कोई फाइल होगी तो डिलीट नहीं होगी। अब हम क्या चाहते हैं? DCA की नाम की डायरेक्टरी तो हमें पता चल गया, तो हम यहाँ पे क्या चला सकते हैं? डेल, अभी क्या चलाया था हमने? शुभम, तो क्या किया था? शुभम के अंदर जितनी फाइल उनको डिलीट कर दिया था। अब शुभम के अंतर्गत क्या है? DCA, तो बैकस्लैश सिंबल से हम उसकी सब डायरेक्टरी का पाथ दे सकते हैं कि शुभम के अंतर्गत जो DCA बैठा है उन फाइलों को डिलीट कर दें। फाइल समझ में तो नहीं आ रही? आ रही है, यस करेंगे। दोनों में अंतर है, पहले हम शुभम फर्स्ट को हमने जो डिलीट किया वो उसके अंतर्गत जाके किया, अब हम यहाँ से बाहर से ही ख़त्म करें, लेकिन किसके द्वारा? उसके पाथ के द्वारा। शुभम नाम की डायरेक्टरी के अंतर्गत सब डायरेक्टरी हैं, तो बैकस्लैश सिंबल से दर्शा देंगे। डिलीट कर दिया, देखने के लिए चाहे तो आप चला सकते हैं DIR शुभम बैकस्लैश बैकस्लैश DCA एंटर। कोई फाइल है क्या DCA के अंतर्गत? अब ये बात पता कैसे चलेगा कि जो हम देख रहे हैं वो सही दिखा रहा है? यहाँ देखिए आप, डायरेक्टरी ऑफ सी यूजर श्री शुभम बैकस्लैश DCA, किसका डेटा है ये? DCA का। यहाँ पर देखें, ये भी DCA का था, यहाँ पर देखें ये शुभम नाम की डायरेक्टरी का। ठीक, चलिए और आगे बढ़ें। अब हम RD से क्या DCA को डिलीट कर सकते हैं? कैसे? बिना प्रवेश किए गए नहीं हम उसके अंदर। बात समझ में तो नहीं आ रही? नहीं आ रही पूजा, बात समझ में आ रही है? चलो, इसके पहले की बात समझ में आ गई। CD से शुभम के अंदर प्रवेश करें, पहुंच गए क्या? यहाँ पर चला सकते हैं देखने के लिए, तो क्या चलाएंगे? DIR, और डिलीट करने के लिए क्या RDDCA चला सकते हैं? DCA गया क्या? देखने के लिए क्या चला सकते हैं? PGDCA को डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? RD PGDCA खाली नहीं है, तो क्या करेंगे? डेल PGDCA। ठीक, यस करेंगे। देखने के लिए DIR PGDCA, कोई फाइल नहीं है, अब क्या चला सकते हैं? RDPGDCA, बुरा तो नहीं लगेगा इसको देखने के लिए। है क्या कोई डायरेक्टरी? बाहर निकलने के लिए अब क्या चला सकते हैं?
शुभम। ये बात समझ में आ गई क्या? आगे और देख लें क्या कमांड? बस बहुत है, ये आगे बढ़े।